आज हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हेतु एक्स वाई रिकॉर्डर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पूर्व में आपने एक स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी, वहां हमने देखा कि एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको ट्रांसड्यूसर के हिसाब से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हुए हम टाइम के सापेक्ष उसको रिकॉर्ड कर रहे थे स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में। लेकिन यहाँ पर एक्स वाई रिकॉर्डर में हम दो वेरिएबल को एक दूसरे के सापेक्ष एक्स वाई एक ग्राफ या किसी पेपर पे हम प्लॉट कर सकते हैं। जैसा कि आप करते आए हैं कि एक्स वाई डायरेक्शन से हम ग्राफ पेपर पे यदि प्लॉटिंग करते हैं तो दो वेरिएबल्स के सापेक्ष हम प्लॉट बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्स वाई रिकॉर्डर भी दो वेरिएबल के सापेक्ष प्लॉटिंग कर सकता है किसी भी दो वेरिएबल। एंड एक्स वाई रिकॉर्डर प्लॉट्स द इंस्टेंटेनियस रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। द राइटिंग पेन विल बी रिफ्लेक्टेड इन बोथ एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन ऑन ए स्टेशनरी चार्ट। डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड एप्लीकेशन वन और मोर राइट पेन कैन बी यूज। कहने का मतलब दो वेरिएबल को हम प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे पेन एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में रिफ्लेक्ट करेगा, और यदि आपके पास वेरिएबल्स ज़्यादा हैं यानी प्लॉटिंग आप ज़्यादा कर सकते हैं वेरिएबल्स के सापेक्ष, तो एक पेन की जगह दो पेन ज़्यादा पेन भी हम यहाँ काम ले सकते। एक्स वाई रिकॉर्डर जो कि एक्स वाई रिकॉर्डर प्रॉपर ट्रांसड्यूसर के काम लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्ट करते हैं, और द मोशन ऑफ द पेन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इज ऑपरेटेड बाय द सर्वो मोटर। सर्वो मोटर की सहायता से, यानी ये इसका सर्वो मोटर, इसका हेड है। ए स्लाइडिंग पेन एंड मूविंग आर्म अरेंजमेंट इज यूज्ड विद एक्स वाई रिकॉर्डर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर रिकॉर्ड्स द वेरिएशन ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाइल एक्स वाई रिकॉर्डर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कीज़ द ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब आप स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर को काम में लेते हैं तो समय के सापेक्ष एक क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं। एक्स वाई रिकॉर्डर में दो वेरिएबल्स को हम ग्राफिक रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। एक्स वाई रिकॉर्डर्स जो है वो ईमेप को प्लॉट करता अदर दूसरे ईमेप के सापेक्ष। तो यहाँ दो बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर काम में लेते हैं। एक बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर की रोल की पोजीशन को कंट्रोल किया जाता है यानी चार्ट की, दूसरे से आपके रिकॉर्डिंग पेन के, यानी दोनों बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर का जैसे बैलेंस डिस्टर्ब होगा आपके इनपुट सिग्नल का अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही उसके पेपर यानी वो आर्म और पेन वो करेगा। तो यहाँ देख लीजिए, ये एक एक्स वाई रिकॉर्डर दिखाया गया, इसमें दो बैलेंस सर्किट दिखाए गए ऊपर और नीचे, और दोनों को रेफरेंस सोर्स दिया गया। यहाँ वाई इनपुट और एक्स इनपुट यानी दो चैनल के रूप में इसको इनपुट सिग्नल को दिखाया। तो वाई इनपुट पे यदि सिग्नल आता था अटेन्यूएटर की सहायता से, उस सिग्नल को अटेन्यूएट करते हुए बैलेंस सर्किट को दिया जाता। जैसे ही रेफरेंस के साथ ये कंपेयर करेगा इनपुट को, यदि बैलेंस डिस्टर्ब होता है यानी वेरी करता है, तो ये डिस्टर्ब जो एरर सिग्नल होगा वो चॉपर पे जाएगा। चॉपर सामान्यतः डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे जो डीसी आ रही है वो एसी में कन्वर्ट करते हुए उसको लो सिग्नल प्राप्त होगा, उसको एक एम्पलीफायर की सहायता से एम्पलीफाई करते हुए एक सर्वो मोटर को देंगे। तो ये जो वाई चैनल है वो पेन ड्राइव मोटर के रूप में काम आ रहा है यानी पेन को ड्राइव करता है। ये सर्वो मोटर पेन को मूव यानी पेन को कंट्रोल, उसकी पोजीशन को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू योर वाई इनपुट सिग्नल। इसी तरह यदि एक्स इनपुट सिग्नल है वो आ रहा है और उसको अटेन्यूएट करते हुए बैलेंस सर्किट पे देते हैं, तो इस रेफरेंस सोर्स से बैलेंस सर्किट डिस्टर्ब होता है यानी उसमें एरर जनरेट होती थी। एरर सिग्नल जाएगा चॉपर पे, चॉपर उस डीसी सिग्नल को एसी में कन्वर्ट करेगा जो कि लो सिग्नल है, तो उसको एम्पलीफाई के साथ एम्पलीफाई करते हुए एक आर्म ड्राइव मोटर पे दिया, यानी ये भी एक सर्वो मोटर है। आर्म ड्राइव का मतलब इसकी ये जो आर्म है उसको ये ड्राइव करता है। कहने का मतलब दोनों की पोजीशन के अकॉर्डिंग दोनों सर्वो मोटर के, यहाँ एक पेन को ड्राइव कर रहा, एक आर्म को ड्राइव कर रहा, उसके सापेक्ष ये जो चार्ट है, ये जो ग्राफ पेपर, उस पर आपको दोनों फिजिकल वेरिएबल्स का प्लॉटिंग प्राप्त हो जाएगी।
तो यहाँ कहने का होता है हॉट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज द टू फेज लो पावर एसी इंडक्शन सर्वोट द पैन इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग ऑफ कॉर्ड लूप अराउंड ए मोटर पुली एंड क्लच असेंबली, यानी पैन पूरी तरह से एक मोटर पुली और क्लच असेंबली से कंट्रोल होती है सर्वो मोटर के माध्यम से। एज द मोटर टर्न्स द पैन ट्रेवल्स बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द पेपर। द ब्लॉक डायग्राम जो कि आपने देखा है उसमें आपने दो वेरिएबल्स इनपुट सिग्नल दो चैनल हमने एक्स वाई काम में लिए, दो बैलेंस सर्किट दो डिस्टर्ब होते हैं, एक से पेन मूव करता है एक से आर्म मूव करती है, एक से द एरर सिग्नल जो आते हैं उनको आप चॉपर पे देते हैं, चॉपर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और एसी सिग्नल जो है उसको एम्पलीफाई करते हुए सर्वो मोटर को देते हैं और सर्वो मोटर की सहायता से आपका पूरा जो मैकेनिकल मैकेनिज्म है वो पेन और आर्म का मूव करता है और उसके हिसाब से आपका साइमल्टेनियसली एक्शन होता है उससे ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग होती है। तो ये एक तरह से द ग्राफ पेपर इज हेल्ड इन ए प्रिस्क्राइब पोजिशन एंड क्लोज कॉन्टेक्ट विद द टेबल सर्फेस बाई द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। तो इस तरह से ये एक्स वाई रिकॉर्डर आपका काम करता है जहाँ पे हम दो वेरिएबल को एक दूसरे के सापेक्ष किसी ग्राफ पेपर पे हम प्लॉट कर सकते हैं। और इसके जो एडवांटेज है वो हम देखें कि जो दिख रहा है आपको चार्ट के ऊपर उसको हम डिजिटल फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिजिटल फॉर्म का मतलब है कि जो एक्स वाई है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए हम उसको ले सकते हैं। तो डिजिटल रिकॉर्डर्स के हम एडवांटेज देखें सिंपल एक्स वाई रिकॉर्डर के कंपैरिजन में भी डिजिटल, तो नंबर ऑफ इनपुट चैनल्स कैन बी प्रोवाइडेड फॉर सैम्पलिंग एंड स्टोरेज सैम्पलिंग, यानी डिजिटल रिकॉर्डर में आप नंबर ऑफ चैनल्स को काम में ले सकते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ डिजायर्ड ट्रिगर मोड्स कैन बी इनकॉर्पोरेट इन डिजिटल रिकॉर्डर, प्री ट्रिगर डाटा डिस्प्ले द प्री ट्रिगर डाटा इसमें प्रोवाइड होता है, मल्टी प्लेन मल्टी इंक प्लॉटिंग इज पॉसिबल इन डिजिटल रिकॉर्डर्स। इसी प्रकार एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड्स विद रेस्पेक्ट टू डाटा टाइम सेटअप कंडीशन इज पॉसिबल, यानी उसका एनालिसिस किया जा सकता है डिजिटल। दे विल बी एबल टू ड्रॉ ग्रिड एंड एक्सिस, कम्युनिकेशन इंटरफेस फैसिलिटी विद अदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इज पॉसिबल। जो डिजिटल रिकॉर्डर होते हैं आपके एक्स वाई रिकॉर्डर का जो आप डिजिटल टेक्निक काम में लेते हैं तो उसको हम दूसरे से भी अपन उसको अटैच कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं। डिजायर्ड स्पेसिफिक फंक्शंस आर ऑब्टेनेबल बाय द यूज ऑफ स्पेशली प्रोग्राम सॉफ्टवेयर पैकेज, वहाँ पे सॉफ्टवेयर पैकेज जो स्पेशल डिजाइन यानी आप पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन के लिए इसको काम में लेना चाहे तो उसको ले। एप्लीकेशन यदि देखा जाए तो एप्लीकेशन इसकी जैसे बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में तो है ही है इसके एप्लीकेशन, इसके अलावा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर, मोटर की स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करने के लिए, रेगुलेशन कर्व ऑफ पावर सप्लाई, प्लॉटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिव डिवाइसेस सच एज वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर जीनर डायोड रेक्टिफायर डायोड्स एक्सेट्रा, प्लॉटिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स स्ट्रेसिस कर्व्स, ये इनमें भी काम में आ सकता है, यानी आपकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड एप्लीकेशन में भी इसको काम में लाते हैं। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स सच एज रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर, तो जैसे स्पेशल टाइप रेजिस्टेंस है जैसे टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर थर्मिस्टर सेंसिस्टर है उनको यदि हम रीड करना चाहें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के सापेक्ष उसको मेजर उसका प्लॉटिंग देखना चाहें कि किस तरह का ग्राफ मिल रहा है तो वहाँ पे भी इसको आप काम में ला सकते हैं। थैंक यू। इस प्रकार आपने एक्स वाई रिकॉर्डर की एक सामान्य जानकारी प्राप्त करी जहाँ पे हम उसकी डिजिटल रिकॉर्डर के एडवांटेज भी आपको बताए, एक्स वाई रिकॉर्डर के एप्लीकेशंस बताए और एक्स वाई रिकॉर्डर का एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आपने समझा कि किस तरह दो वेरिएबल्स को एक दूसरे के सापेक्ष आप रीड करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यानी उसका प्लॉट एक्स वाई चार्ट
या ग्राफ पेपर पे आप प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू।